आज के वीडियो में हम सर्दियों के लिए ऐसी स्पेशल मिठाई बनाएंगे जिसको बनाने के लिए आपको केवल 4 सामग्री लगेगी। इसमें आपको ना ही घी का इस्तेमाल करना है, ना ही तेल का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको बूरा का इस्तेमाल करना है और ना ही आपको शक्कर का इस्तेमाल करना है। केवल 4 सामग्री के साथ बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। और ख़ास बात ये कि इसको बनाने के बाद में आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई है। मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एकदम ही टेस्टी सी मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये कुछ सामग्री ले ली है फ्रेंड्स। तो इसमें हमने लिए हैं 200 ग्राम तिल, 200 ग्राम मूंगफली दाना। इनको हमने ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका निकाल दिया था, तो ये उसके बाद में हमने ले ली है। आप चाहें तो तुरंत कच्ची मूंगफली लेकर उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हो। साथ में हमने यहाँ पे 50 ग्राम ये खोबरा का बुरादा लिया है। खोबरा का जो ऊपर वाला काला छिलका होता है वो हमने हटा दिया था और फिर उसको ग्रेट कर लिया है। इसका काला छिलका हटाने से ये बिल्कुल ही व्हाइट कलर का बनके तैयार होता है, जो मिठाई में अच्छा लगता है। साथ में हमने 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख के और जो हमने तिल लिए हैं उनको रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा फुल रखेंगे और उसके बाद में हम इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तिल जो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा इसको हमें रोस्ट नहीं करना है। अब इसको हमने एक छलनी में डाल लिया है ताकि हम इसको छान कर इसका कचरा निकाल सकें। और कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसमें हमने जो खोबरा का बुरादा लिया है उसको डालकर इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। इसको भी हमें ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा भून कर लेना है। तो ये भी अच्छे से भुन गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद में हमने जो मगज़ के बीज लिए हैं उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और साथ में हमने थोड़े से बादाम लिए हैं। अगर आपको नहीं डालने हैं तो आप ना डालें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। इनको भी 1 से 1.5 मिनट तक हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद में इनको हम निकाल लेंगे। और बादाम को हमें तोड़ लेना है या फिर चाकू से इसकी बारीक कतरन बना लेनी है, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे हमने जो गुड़ लिया है ना उसको बारीक बारीक तोड़ लिया है वो डाल लेंगे। अब गुड़ के अंदर हम ना तो घी डाल रहे हैं और ना ही हम इसके अंदर पानी वगैरह डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम हमने एकदम लो रखा है। इसको हमें पिघला कर लेना है, यहाँ पे चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी है। इसी तरह हम इसको लगातार चलाते रहेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम एकदम लो रखें और जब तक हमारा गुड़ पिघल कर तैयार होगा ना, जब तक हम जो मूंगफली दाना और तिल हमने लिए हैं उनको पीस कर तैयार कर लेते हैं। पहले हमने तिल को अच्छे से ठंडा किया है, उसके बाद में हमें पीस कर लेना है। तो दोनों चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये देखिए गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने इलायची पाउडर लिया था वो, और साथ में हमने बादाम और मगज के बीज और साथ में थोड़े से साबुत तिल ले लिए हैं, इसी में से जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल लेंगे खोबरा का बुरादा, इसको भी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम सामग्री को डालते रहेंगे और साथ साथ मिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होते जाएं। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर जो हमने लिया है मूंगफली दाना उसको डाल लेते हैं। तो ये हमने मूंगफली दाना डाल लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद में हमने ये तिल डाल लिए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हमने चाशनी वगैरह एकदम परफेक्ट माप से बनाई है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसके अंदर, इस तरीके से। इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमारा एकदम लो है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद में इसको चम्मच से एकदम अच्छे से इस तरीके से मसल मसल कर, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना बचे, मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ठंडा नहीं होने देना है ज़्यादा, इसको गर्म गर्म में ही अच्छे से मिक्स करके और तुरंत ही हम इसको जमने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक ट्रे में अच्छे से घी से ग्रीसिंग करने के बाद में उसके ऊपर हल्के से तिल छिटक कर हमने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। इसके अंदर हम इसको जमा कर तैयार करेंगे। तो पूरा मिश्रण हम इसके अंदर जल्दी से डाल लेंगे ताकि ये ठंडा ना हो पाए। अगर ठंडा हो गया तो ये इसको हमें फैलाने में दिक्कत होगी, इसलिए आप गर्म गर्म को अच्छे से डालकर इसको अच्छे से फैला दें इस तरीके से। और सच मानिए फ्रेंड्स, ये जो बर्फ़ी है ना इतनी टेस्टी बनती है ना खाने में कि ये मुंह में जाते ही घुल जाती है। और इसको आप बनाने के बाद में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसको अच्छे से हमने फैला दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद में हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से जो है जम कर तैयार हो गई है। अब एक चाकू की सहायता से इसमें हम इस तरीके से कट लगा देंगे।
काटने से ही आपको पता लग रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट बनी है, और ये ठंडी होने के बाद में एकदम ही खस्ता सी हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नरम रहती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, सभी को बेहद पसंद आएगी और हेल्दी भी होती है। इसमें हमने घिया शक्कर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसको ज़रूर बनाइए, आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो इनको देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कितनी सॉफ्ट और खस्ता सी बनकर तैयार हुई है, बच्चों को भी ये बेहद पसंद आती है, तो आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।